बगहा में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई। घने कोहरे के कारण हुआ हादसा, 24 घायल, 8 गंभीर। बस में सवार थे 50 बाराती। समस्तीपुर में रोड़ेबाजी पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बूथ पर उम्मीदवार के समर्थकों और मतदान कर्मियों के बीच झड़प, पुलिस पर भी किया पथराव। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, विधानसभा परिसर में तुम पर बवाल, आपस में भिड़े आरजेडी बीजेपी विधायक, जमकर गाली गलौज। 51,000 रिश्वत लेते धराया अंचल कर्मचारी, मधेपुरा में जमीनी म्यूटेशन के लिए महिला से मांग रहा था घूस, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। मुजफ्फरपुर मेयर को विधायक की नसीहत, कुर्सी के साथ शहर में निकलिए, जहां कूड़ा हो वहीं बैठ अफसरों को बुलाइए। भतीजे से अफेयर, आंखों के सामने पति की हत्या, बेगूसराय में 40 दिन बाद भी प्रेमी तक नहीं पहुंची पुलिस, बेटे के बयान पर मां हुई थी गिरफ्तार। खगड़िया में मासूमों से छीना ममता का आंचल, खाना बनाने के दौरान गैस पाइप हुआ लीक, आग में झुलसे विवाहिता, इलाज के दौरान मौत। मुजफ्फरपुर में सांसों पर कहर, हवा और जहरीली, अधिकतम AQI 469 तक पहुंचा। भोजपुर में मुखिया प्रत्याशी सहयोगी समेत गिरफ्तार, मतदान से पहले पैसा बांट रहा था मुखिया प्रत्याशी, पुलिस ने दबोचा, कैश भी बरामद। कटिहार में मतदान केंद्र पर सीओ की पिटाई, दीवार फांद कर प्रवेश कर रहे थे, सीओ ने रोका तो कर दिया हमला। छपरा में कार और जीप में भीषण टक्कर, तिलक से लौट रहे थे सभी, हादसे में एक की मौत, 3 की हालत गंभीर। सीएम सोरेन की चचेरी बहन की शादी आज, संताली रीति रिवाज से होगी सभी रस्म, समारोह में शामिल होने पूरा सोरेन परिवार पैतृक गांव पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर बिहार में हाई अलर्ट, कोरोना के निगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 10 दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन। बेगूसराय में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या, भाई की शादी का कार्ड लाने जा रहे युवक को फोन कर बुलाया, पीटने के बाद मारी गोली। पटना के ओयो होटल में पुलिस का छापा, प्रेमिका के साथ जान छलकाते बैंक कर्मी गिरफ्तार, कमरा सील।